जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे सभी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का क्या समय होगा और किस चीज से व्रत का पारण किया जाएगा, व्रत पूजन महत्व नियमों के बारे में, और जानेंगे इस दिन विशेष करके भगवान को किस वस्तु का भोग लगाए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे अजा एकादशी और जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को अजा एकादशी जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। अजा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राधा कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के पुत्र, धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें जो कि हविष्यान्न भोजन होना चाहिए। हविष्यान्न में जौ, गेहूं, मूंग, गौ घृत, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन करना चाहिए। उसके बाद संध्या को अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ कर लेनी चाहिए। दशमी की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अजा जया एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाएं और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और एकादशी के दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण और राधिका का पूजन करें। एकादशी के दिन जो कि जहाँ तक हो सके उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए, आपका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं और भगवान का जो कि पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करें, व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस प्रकार से भगवान का पूजन संपन्न करें और रात्रि में जहां तक हो सके एकादशी के दिन जागरण करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि अगर जागरण करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो जहां तक हो सके जागरण करते हुए एकादशी की रात्रि समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। अपना मन भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए और फिर द्वादशी की सुबह जाकर के सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार शाम 7:19 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को रात्रि 9:30 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार
और द्वादश युक्त जो शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है, तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रात्रि 11:53 पे और व्रत का पारण किया जाएगा। वह 11 सितंबर को सोमवार को जो कि पारण का समय सुबह 6:05 से सुबह 8:39 तक व्रत का पारण किया जाएगा। लेकिन 11 सितंबर को जो राहु काल का समय है वह समय सुबह 7:15 से सुबह 8:48 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान व्रत का पारण या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो इस कारण से व्रत का पारण जो कि सुबह 6:05 से लेकर के सुबह 7:14 तक अगर व्रत का पारण कर लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा होगा। इस व्रत का पारण जो कि कुष्मांडेन पारणम, कुष्मांड से व्रत का पारण है जिसे कि बहुत से जगहों पर भुआ और कुम्हरा के नाम से जाना जाता है, यह एक फल है। तो इससे इस व्रत का पारण करें, यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल जल से व्रत का पारण करें या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:41 और सूर्यास्त शाम 6:08 और इस दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय शाम 4:34 से शाम 6:08 तक राहु काल का समय होगा। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि वरियान योग रात्रि 11:18 तक, उसके बाद परिध योग होगा। नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र शाम 5:07 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र। इस दिन भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को विशेष करके बादाम और छुहारे का भोग अवश्य ही लगानी चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा और इससे अनंत फलों की प्राप्ति होगी। तो इस दिन विशेष प्रकार से बादाम और छुहारे का भगवान को भोग अवश्य लगाएं और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगानी चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु अपने पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं या भगवान श्री कृष्ण अपने पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं और नैवेद्य को भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं या भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं और तुलसी दल डाल करके भोग भी लगाए, तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करे, पीला पुष्प चढ़ाए, उसके बाद भगवान विष्णु को जो कि काले तिल और तुलसी दल चढ़ाए, उसके बाद धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। नैवेद्य में जो कि दूध से बने हुए वस्तुओं का प्रयोग करें या केला, सेब, संतरा, जो भी ऋतु फल आदि हो वो भगवान को भोग लगाएं, खास करके बादाम और छुहारा भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं और फिर अजा एकादशी जया एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद भगवान की आरती करें। इस प्रकार से इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन, एकादशी की रात्रि, दिन रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। भगवान के नाम का स्मरण भजन कीर्तन करते हुए रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान जो कि कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। इस दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ज्यादा नहीं बोलनी चाहिए, ज्यादा बोलने पर मुख से न निकलने वाले शब्द भी मुख से निकल जाते हैं। इस कारण से जहाँ तक हो सके व्रत के दौरान मौन धारण करके रहते हैं या कम बोलते हैं तो यह बड़ा ही लाभप्रद होता है। एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से
पाप का भागीदारी माना जाता है और रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। यह भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम को, जो कि अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल भगवान को अर्पित करें। विशेष करके काले तिल ही भगवान विष्णु को चढ़ाए तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। दसवीं एकादशी और द्वादशी ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान तामसिक वस्तुओं का प्रयोग ना करें, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना करें, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए रहें, धर्म का आचरण करते हुए रहें। जहां तक हो सके आपसे जो भी बन सके, आपके दरवाजे पे कोई याचक आता है तो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आपसे जो भी बन सके उसका दान करें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फल दायी होता है। तो इस प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, तो इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।